चलिए आओ करते हैं मजे के साथ में धमाकेदार प्रैक्टिस। सबसे पहले जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा ध्यान देंगे। आपके वाक्य में सेंटेंस में कितनी चीजें होती है? चार। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, तीसरा होता है मेन वर्ब और चौथा होता है ऑब्जेक्ट। ये चार चीजों की हेल्प से आप सेंटेंस को बनाते हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि भैया सेंटेंस में कितनी चीजें, तो बोले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने प्रकार के? तो बोले दो प्रकार के, सिंगुलर एंड प्लूरल। बोले सिंगुलर कौन? तो बोले जो सिंगल को बताया उसको सिंगुलर कहते हैं। जैसे दिस है ना, जैसे दैट, जैसे ही, जैसे शी, ठीक है, जैसे कोई नाम हो एक, ये सब आपके क्या है? लेकिन प्लूरल उसको कहते हैं जो दो या दो से ज्यादा हो। जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम, दो नाम हो गए। मैंने कहा दिस का प्लूरल, तो बोले सर इसका हो जाता है दीज। बोले दोनों में क्या अंतर है? तो बोले अंतर ये रहा सर, दिस इज माय कॉपी या नोटबुक, ये मेरी नोटबुक है, लेकिन मेरे पास दो नोटबुक है, दस नोटबुक है। तो अब आप नहीं कहोगे, अब ये कहोगे दीज आर माय कॉपीज। कुछ आया समझ में? सेंटेंस ए और सेंटेंस बी को ध्यान से देखो। यहां लिखा है दिस, दिस मतलब होता है यह, और इसका प्लूरल क्या बना? दीज। प्रोनंसिएशन देखो, दिस दीज, छोटी की मात्रा, बस वही वाली बात है, दिस दीज दीज है ना। तो दीज आर माय कॉपीज, यू गॉट इट? ओके, दिस इज माय कॉपी एंड दीज आर माय कॉपी। कल को आपका टेस्ट हो, टेस्ट में आपसे पूछा जाए कि भैया दिस इज माय कॉपी का प्लूरल सेंटेंस क्या होगा, तो याद रखना जब भी किसी सब्जेक्ट को प्लूरल करते हैं तो दिस का प्लूरल क्या बनता है? दीज। अब इसके साथ इज लगा है जो कि किसकी हेल्पिंग वर्ब है? सिंगुलर की। तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? माय का प्लूरल माय नहीं हो, या माय जैसा कुछ नहीं बनाते, वो वही का वही रहता है। हाँ, कॉपी का प्लूरल, कुछ आ रही बात समझ में? तो प्लूरल किसके किसके बनते हैं ध्यान देना। प्लूरल बनता है नाउन का, प्लूरल बनता है प्रोनाउन का, और प्लूरल बनता है वर्ब का। लेकिन कभी भी प्लूरल किसका नहीं बनता? पजेसिव का नहीं बनता। पजेसिव क्या होता है? माय, योर, आर, देयर, ये सब पजेसिव होते हैं। ये सब क्या होते हैं? पजेसिव। आओ समझते हैं, आई का पजेसिव क्या होता है? माय। क्या होता है? मी जो वो ऑब्जेक्टिव होता है। मी क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। एक छोटा सा डेमो देख लो, आपका सब्जेक्ट इस तरीके से फॉर्म करता है। ये पहली फॉर्म कहलाती है सब्जेक्टिव फॉर्म, दूसरी फॉर्म कहलाती है, तीसरी फॉर्म कहलाती है पजेसिव फॉर्म, और चौथी कहलाती है रिफ्लेक्सिव फॉर्म। तो ऐसे आपके सब्जेक्ट की कितनी कैटेगरीज होती है? चार। जब वो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तब सब्जेक्ट, जब वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तब ऑब्जेक्ट, जब वो पजेसिव की तरह काम करेगा तो पजेसिव में दो तरीके से काम करता है वो। एक में करता है वो एडजेक्टिव की तरह, और दूसरे में करता है वो प्रोनाउन की तरह। आ रही बात समझ में? और ये होता है आपका रिफ्लेक्सिव केस। अब आप देखो, जैसे आपने कहा आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। इसके पजेसिव दो बनते हैं, माय और माइन, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है। माय का मतलब भी मेरा मेरी मेरे होता है, और माइन का मतलब भी मेरा मेरी मेरे होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? माय के बाद में नाउन आता है। क्या आता है? जैसे आप कहोगे यह मेरा है, तो दिस इज माय या माइन? दिस इज माइन। क्या बोलोगे? क्योंकि सिर्फ आपने क्या बोला? यह मेरा है। लेकिन जब आप बोलोगे यह मेरा घर है, तो दिस इज माय होम, यह मेरी कॉपी है। कुछ आई के बात समझ में? तो कोई अगर आपसे पूछे कि माइन और माय में क्या डिफरेंस है, तो उनको बताओ कि माय के बाद क्या आता है? नाउन। नाउन किसे कहते हैं? एवरीथिंग इज नाउन दैट यू कैन टच, दैट यू कैन फील, दैट यू कैन सी। ये कैमरा क्या है? ये दीवार क्या है? ये पेन क्या है? ये लाइट क्या है? ये बोर्ड क्या है? ये बाल क्या है? ये नोज क्या है? आईज क्या है? बेग क्या है? सब कुछ क्या है? गेटिंग। हर चीज जिसको देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, सुन सकते हो, वो क्या है? नाउन है। नहीं समझे? और नाउन जो है वो पजेसिव के कहां लगता है? आगे लगता है। अरे पजेसिव की बात लग रहा है ना, देखो ना, मैंने कहा भाई मेरे बाल, माय हेयर, आपका बैग, योर बैग। तो ये देखो, योर क्या हुआ? पजेसिव। हमारा बैग, उसका बैग, लड़की है तो उनका बैग, देयर बैग।
तो ये जो यूअर है ये बना किससे है? यू से। ये आर जो है बना किससे है? ये हिज जो है बना किससे है? ये हर जो है बना किससे है? ये देयर बना किससे है? कुछ आया समझ में? ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये सारे पजेसिव हैं, और यहां पर ऑब्जेक्ट यूअर का ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, आर का ऑब्जेक्ट अस होता है, हिज का ऑब्जेक्ट हिम होता है, हिम और हिज, और इसका हर का हर ही होता है। याद रखना इसका ऑब्जेक्ट और पजेसिव दोनों एक ही होते हैं। इसका देम होता है, क्या होता है? कुछ आ रहा समझ में? नहीं आ रहा सच्ची मुच्ची? टेंशन मतलब सारा कंटेंट सेव हो गया, आपको टेलीग्राम पे भिजवा दें। जुड़ तो गए ना सारे बच्चे? टेलीग्राम से जुड़ जाना सभी, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई प्राइवेसी का इशू नहीं है, आपके कॉन्टेक्ट नंबर इधर से उधर नहीं होते, बहुत अच्छी चीज है वो, तो उस पर हम लोग ये शेयर कर देंगे आपको, है ना। चलो अभी इधर ध्यान दो सभी। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका पजेसिव। माय का यूअर का क्या हो जाएगा? यूअर्स। आर का क्या हो जाएगा? हिज का क्या हो जाएगा? हर का क्या हो जाएगा? देयर का क्या हो जाएगा? समझ गए सारे बच्चे, है ना। तो ये ऐसे चलता है भाई। इसके बाद एक और होता है myself, I, देखो I का ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। कोई कहेगा I का myself से क्या संबंध है, तो आप बोलना I जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है और myself जो है वो I की रिफ्लेक्सिव फॉर्म है। नहीं समझे? मतलब है कि खानदान के है? कोई बोले कि I और मी में क्या संबंध है, तो उनको बताओ I क्या है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट। समझे नहीं समझे? खानदान समझते हो ना? अरे एक ही बिरादरी के हैं, मतलब एक ही परिवार के हैं, ऐसा करके। तो आई ये ऑब्जेक्ट में जाता है। अच्छा याद रखिएगा, आई जो है इससे सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हो आप, क्या मी से कर सकते हो? कभी भी मी से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती। ओके सो आई मी, तो ये मी से शुरुआत नहीं होना है। यू गॉट इट? अरे समझेगी नहीं? तो आई जो है ये सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में क्या होता है? मी, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में लगता है, पजेसिव में होता है माय और माइन, और लास्ट में ये होता है आपका माइसेल्फ। आया क्या समझो सभी को? चलो आगे ले चलता हूं। यू का ऑब्जेक्ट केस यू, ये क्या बनेगा? यू आर, ये, और ये बनेगा आपका यूर सेल्फ। समझ गए क्या? नहीं समझे? अरे भैया ये बड़ा ही अजीब है, इसके दो बनते हैं, योर सेल्फ भी बनता है और एक बनता है योर सेल्फ्स। अब बोलोगे सर सेल्फ भी लगाया और वी है, सेल्फ्स भी लगाया, सिंगुलर भी प्लूरल भी, बाय दिस कोलाबिलिटी। कुछ को समझ में नहीं आया? हाँ, बाय दिस कोलाबिलिटी का मतलब होता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बताओ? अरे योर सेल्फ जो है यू सिंगुलर के साथ भी यूज होता है, यू प्लूरल के साथ भी। जब मैं एक को बोलूंगा आपको अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो इंग्लिश में कहा जाएगा यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ। क्या बोलूंगा मैं? देखो सभी, यू शुड डू योर, कुछ आया क्या समझ में? इसका हिंदी हो रहा है तुम्हें अपना काम या तुम्हारा काम स्वयं, शूट तो सबने पढ़ा है ना, ठीक है ना। अब आप देखो यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ लिख दी हमने। अब क्वेश्चन उठता है सर आपने तो योर सेल्फ भी लगाया था, वो कहां लगेगा? तो योर सेल्फ कहां लगेगा वो देखो, तुम सभी को तुम्हारा काम स्वयं करना चाहिए। अब कोई मुझे बताएगा इसमें क्या कर दिया मैंने? तुम सभी मतलब यू ऑल, क्या बोला जाएगा? यू ऑल शुड डू योर वर्क योर, कुछ समझे क्या? अगर मैं कहूंगा मुझे मेरा काम या फिर अपना काम स्वयं करना चाहिए, इसकी इंग्लिश बताओ क्या होगी? I should do my work myself. कुछ आया क्या समझ में? तो कोई आपसे पूछे कि myself क्या है, तो
तो उसको बताओ कि आई का ये जो स्वयं आ रहा है कहां गया, ये है माई सेल्फ। तो आपसे कोई पूछे कि स्वयं का हिंदी मतलब क्या, इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है, बोलना स्वयं का कोई मतलब नहीं है। स्वयं का मतलब जो सब्जेक्ट आ रहा है उस पर निर्भर करता है। मैं अपना काम स्वयं करता हूं, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। तो यहां पर स्वयं का मतलब क्या निकला, तुम अपना काम स्वयं करते हो। यहां स्वयं का मतलब क्या निकलेगा, यूर सेल्फ। रवि अपना काम स्वयं करता है, रवि का हिमसेल्फ हो जाएगा, रवि सेल्फ मत कर देना। हाँ नहीं तो बहुत सारे खतरनाक स्टूडेंट बैठे हैं यहां पर, सर मैं बनाऊंगा। रवि अपना काम स्वयं करता है, रवि डज हिज वर्क रवि सेल्फ। क्या बनाना है, रवि डज हिज वर्क हिमसेल्फ। रवि को अपना काम स्वयं करना चाहिए, रवि शुड डू हिज वर्क हिमसेल्फ। वैसे टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में इसको, मैं अभी ऊपरी तौर पर आपको एक समझा रहा हूं कि भाई ये क्या चीज है। कुछ आई बात समझ में नहीं आई, ओके तो वी का क्या हो गया, इसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया, इसमें बनेगा बच्चों ourselves। अच्छा कोई बताएगा ourselves क्यों बना, ये प्लूरल है। जो सिंगुलर होता है उसमें myself लगेगा, मतलब उसमें self लगता है, उसमें क्या लगता है, self जो सिंगुलर होता है। और जो प्लूरल होता है उसमें self नहीं लगता, उसमें क्या लगता है, selves लगता है ना। ऐसे देखो he का क्या होगा, himself। she का, herself। दे का, देम सेल्फ की देम सेल्फ्स, दे प्लूरल है। आया समझ में नहीं आया, अब मुझे बताओ। ये था प्रोनाउन केस चार्ट जिसमें मैंने आपको कुछ प्रोनाउन के केसेस चेंज करना है, चार अलग अलग कैटेगरी में, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव। कुछ गया दिमाग में, नहीं गया, गया ना, चलो है कि नहीं इंग्लिश मजेदार। चलो इधर देखो, दिस का क्या बनाओगी, दिस मतलब, दैट मतलब क्या हो गया, वह। दैट का क्या हो जाएगा, अरे दैट का क्या हो जाएगा, दोज। दोज मतलब क्या होगा, वे। अच्छा ही मतलब क्या होता है, अब मान लो चार पांच लड़के वहां खड़े हैं, चार पांच लड़के वहां खड़े हैं, तो उसको आप ही बोलोगे, क्या बोलोगे, वे बोलोगे। वे मतलब दे, समझेगी नहीं, ऐसा ऐसा होता है। शी मतलब क्या होता है, अब चार पांच लड़कियां वहां खड़ी हैं, इसके लिए भी क्या यूज करोगे, दे। तो एक के लिए क्या लगाओगे, शी। ज्यादा के लिए, अभी समझे नहीं हो तुम, नहीं समझे, समझे कि नहीं, नहीं समझे तुम, देखो मैं समझा दूं। तुम लोग यार क्या हो, अभी ना बहुत सीखना तुमको। देखो इधर, राम स्कूल जा रहा है ना, राम इज गोइंग टू स्कूल। ये आया समझ में, अब राम यहां क्या है, सब्जेक्ट है और नाउन है, क्या है। अब मैंने कहा राम स्कूल जा रहा है, वह पढ़ाई कर रहा है, वह पढ़ाई कर रहा है। तो यहां वह का संबंध किससे है, बार बार राम बोलने के बजाय आप राम के बदले क्या यूज कर लोगे, वह कर लोगे। वे शब्द जो नाउन के बदले उपयोग होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। राम क्या हो गया, वह क्या हो गया, तो इसकी इंग्लिश आप बनाओगे, ही इज गेटिंग, अरे समझ में आ नहीं है, ही इज स्टडिंग मतलब वह पढ़ाई कर रहा है। अब अगर मैं कहूं राम और श्याम पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश में लिखोगे राम एंड स्टडिंग। कुछ आ रही बात समझ में, अब राम के लिए तो हमने वह लगाया था, लेकिन राम और श्याम के लिए क्या लगाएंगे, अब वे। अब मैंने कहा कि वे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, वे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, एक तो पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरा, तो क्या बोलेंगे, दे आर एज वेल।
एज वेल किसके लिए लगाया? बी के लिए, ठीक है ना। दे आर प्लेइंग क्रिकेट एज वेल, ठीक है। राम एंड श्याम आर स्टडिंग एंड दे आर प्लेइंग क्रिकेट एज वेल। राम और श्याम पढ़ाई कर रहे हैं और साथ साथ क्रिकेट भी खेल रहे हैं। यू गॉट इट? कुछ आया समझ में? तो हमने राम और श्याम के लिए कौन सा प्रोनाउन लगाया? हमने अकेले राम के लिए कौन सा प्रोनाउन लगाया? कुछ गया डाइजेस्ट हुआ? एक नाम है तो ही लगाया हमने। अरे बात समझ में? दो नाम है तो हमने दे लगाया। कुछ क्लिक हो रहा है? अब देखना, सब समझना। राम को अपना काम स्वयं करना चाहिए। और दूसरा सेंटेंस देखना सभी, राम और श्याम को अपना काम स्वयं करना चाहिए। अब भाई आपके सामने दो अलग अलग वाक्य लिखे हैं, ठीक है ना। कितने अलग अलग सेंटेंस हैं? दो अलग अलग सेंटेंस हैं। अब इनकी इंग्लिश करेंगे हम। सबसे पहले तो बनेगा किस में ही है? अरे बात सुन, अरे इसी बनाओगे? आओ बनाते। राम शुड, राम को अपना काम स्वयं करना चाहिए। और दूसरा राम और श्याम, एक मिनट, आप एक बात नोटिस करना, अपना काम स्वयं स्वयं करना चाहिए, एक जैसा आ रहा है। हिंदी में दोनों का काम एक जैसा है, लेकिन इंग्लिश ऐसे नहीं है, इंग्लिश अलग बनेगी। देखो कैसे, राम शुड डू अपना काम, मतलब अब देखो यहां पर राम जो था एक नाम है, एक सिंगुलर, तो उसके लिए क्या यूज किया हमने? हिज वर्क। तो राम शुड डू हिज वर्क हिमसेल्फ, गेटिंग। अब दूसरा सेंटेंस देखना, राम और श्याम को अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो राम एंड श्याम, ये यहां तक तो सबको समझ में आ गया। राम एंड श्याम शुड डू, अब यहां पर राम और श्याम जो थे क्या हैं? दो सब्जेक्ट है, मतलब उसके लिए देखो, इसके लिए तो क्या बनाया हमने? ही का पॉजिटिव क्या यूज किया? लेकिन यहां पर राम और श्याम, इसलिए दे का पॉजिटिव क्या होगा? देयर वर्क, और ये जो स्वयं आया इसके लिए लगाओगे। छोटे बच्चों को भी समझ में आ गई ये चीज? कुछ क्लिक हुआ? कुछ समझ में आया? अगर अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ध्यान देना, रीना को स्वयं वहां जाना चाहिए। बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? रीना शुड, कुछ आया समझ में? रीना शुड गो देयर हरसेल्फ। अच्छा मुझे बताओ यहां पर हमने क्या लगाया? अरे क्या लगाया? क्यों लगाया? अगर मैं रीना की जगह लिख देता रवि को स्वयं वहां जाना चाहिए, तो क्या लगे लग जाता? अगर मैं लिख देता कि रीना और रवि को स्वयं वहां जाना चाहिए, तो आ रही बात समझ में? अगर मैं रीना लिख रहा हूं तो क्या यूज कर रहे हैं? हर्सल। अगर मैं रवि लिख रहा हूं तो क्या यूज कर रहे हैं? हिमसेल। अगर मैं रीना और रवि दोनों लिख रहा हूं तो? कुछ आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? अच्छे से? सच्ची मुच्ची? अब एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट इन द एंड, क्योंकि सेशन को एंड करते हैं, हम लोग बहुत देर से इस पर डिस्कस कर रहे थे। देखो ये जितनी भी अपन ने सब्जेक्ट अभी लिखे हैं, अभी इतनी देर से सब्जेक्ट ही चल रहा था टोटल, राइट? क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या थे, थोड़ा गहराई में चले गए थे, चले गए थे ना? हाँ, जो लोग डिटेल में समझ रहे हैं उनको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है ना। हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे काम में है,
ठीक है, तो उतना मैंने आपको समझा दिया। अब ज्यादा और आगे हम जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो अब देखो आगे, ये सब्जेक्ट हो गए, दूसरा क्या हो गया? अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हेल्पिंग वर्ब का दे दूं मैं आप लोगों को। जब भी आप कोई सेंटेंस बनाओगे तो याद रखना उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कहीं कहीं पर नहीं लगेगी, वो हिडन रहेगी। जैसे आप बोलते हो मैं जाता हूं तो क्या बोलते हो? आई गो। यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगी है क्या? डायरेक्ट आपकी क्या आ गई? ये देखो, ये सब्जेक्ट और ये आपकी, बीच में मिसिंग क्या है? लेकिन जब आप इसे नेगेटिव बनाओगे, मैं नहीं जाता हूं, तो आप बनाओगे इंग्लिश में आई डू नॉट गो, ये आ गया डू निकल कर। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब तो थी लेकिन अफर्मेटिव में नहीं लगाई हमने। कुछ आई बात समझ में? नहीं आई? तो हेल्पिंग वर्ब जो है हर सेंटेंस में होती है, कोई सा भी सेंटेंस हो उसके अंदर आपको क्या लगानी होती है? वो होती है, वो दिखाई नहीं देगी, हिडन होगी कुछ केसेस में, बट इतना है कि आप अगर टेंस को पढ़ रहे हो या कोई भी चीज पढ़ रहे हो या सेंटेंस बना रहे हो तो उसके अंदर क्या लगेगी। अब क्वेश्चन उठता सर ये केसेस समझना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब क्या मीनिंग देती है। आई बात समझ में? तो इसके लिए आपको एक क्लासिफिकेशन समझा देता हूं मैं, ज्यादा डीपली तो नहीं ले जाऊंगा। हेल्पिंग वर्ब हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग चलती है। किसके अकॉर्डिंग चलती है? तो एक होता है प्रेजेंट टेंस और एक होता है आपका फ्यूचर। ये समझ लो बस। इसका क्लासिफिकेशन अगर आपको आ जाओ बेटा, इसका क्लासिफिकेशन अगर आपको आ गया तो आपको इसमें दिक्कत ही नहीं आनी। अब जैसे यहां पर आपने क्या लगाया? ये आपने किस में लगाया? प्रेजेंट टेंस। तो एक चीज अपने दिमाग में याद रख ही लो कि अगर प्रेजेंट में इजमार लगाया तो पास्ट में क्या लगाओगे और फ्यूचर में? कुछ आ रहा समझ में? अगर आपने प्रेजेंट में इजमार लगाया तो ये 100% फैक्ट है कि पास्ट में क्या लगाना है और फ्यूचर में? अगर आपने प्रेजेंट में हैज और हैव लगाया है तो ये दिमाग में फिट कर ही लो कि पास्ट में क्या लगाना है और फ्यूचर में? बिल्कुल। अगर आपने प्रेजेंट में क्या लगाया तो पास्ट में और फ्यूचर में विल बी, याद रखेंगे। अगर मैंने यहां पर हैज हैव लिखा है, अब मैं अगले में लिखता हूं हैज हैव टू, तो यहां क्या हो जाएगा? वहां क्या हो जाएगा? ये अंडरस्टूड है। अगर मैं हैज हैव बीन लिखता हूं तो यहां क्या हो जाएगा? यहां क्या हो जाएगा? ये भी क्या है? अंडरस्टूड है। कुछ चीजें समझ में आई? तो ये थे आपकी हेल्पिंग वर्ब जो कि क्लासिफाइड होती है तीन टेंसेस के आधार पर, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अगर कहीं पर हेड लिखा है तो समझ जाओ वो किसका सेंटेंस है। अगर कहीं पर कुड लिखा है किसका है। अगर कहीं पर वॉज लिखा है। और यदि कहीं भी आपको सिर्फ विल लिखा दिखे तो समझ जाना वो फ्यूचर का, क्योंकि बिना विल के कोई भी फ्यूचर का सेंटेंस, नो फ्यूचर सेंटेंस एग्जिस्ट विदाउट विल। फ्यूचर मतलब किसका, किसकी बात होगी? भविष्य की बात होगी। तो कोई भी फ्यूचर का सेंटेंस किसके बिना नहीं बनता है? विल के बिना। अब मुझे यहां तक आप लोग क्लियर कर दो कि यस सर हमको यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेन वर्ब की। किसकी बात करते हैं? अगर कोई आपसे कहे कि मेन वर्ब क्या है, ठीक है, तो याद रखना कि मेन वर्ब जो है मेन वर्ब ही है। मेन का मतलब बताओ क्या होता है? मुख्य। आप जो काम कर रहे हो वही आपकी मेन वर्ब है। अगर आप गा रहे हो तो मेन वर्ब क्या है? गाना, ठीक है, जिसको कहा जाता है टू सिंग। क्या कहा जाता है? ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फिर इसकी थर्ड फॉर्म, फोर्थ। ऐसी वर्ब की हम लोग मेन तीन फॉर्म होती है, लेकिन हम लोग कितनी बताते हैं आपको? एक होती है आईएनजी फॉर्म। तो ये सिंग में आईएनजी लगता है तो क्या हो जाता है? सिंगिंग। और एक जिसमें सिंग्स। बाकी आपको सेकंड फॉर्म सिंग और थर्ड फॉर्म संग को समझना होता है। आ रही बात समझ में? Yes, तो ये टू सिंग, इसका मतलब होता गाना।
क्या होता है? और ये जो सिंगिंग है इसका मतलब भी क्या होता है? गाना। अब आपने कहा, ध्यान देना, गाना एक कला है। अब ध्यान देना, गाने को क्या कहते हैं? टू सिंग। अब टू सिंग एक सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके साथ क्या लगाओगे? टू सिंग इज एन आर्ट, टू सिंग इज एन आर्ट, या फिर सिंगिंग। यहां ऑन द प्लेस ऑफ टू सिंग क्या लगा दो? सिंगिंग इज एन आर्ट। यू गॉट इट? ऐसे देखो, टू स्पीक मीन्स होता है बोलना, और दूसरा होता है स्पीकिंग, इसका मतलब भी क्या होता है? आपको याद रखना है, कोई भी वर्ब ना का मतलब अगर लास्ट में दे रही है तो वो या तो टू लगाकर देगी या फिर आईएनजी लगाकर। याद रखोगे? दौड़ना इंग्लिश में कहलाता है टू रन या फिर रनिंग। मैंने कहा दौड़ना एक अच्छी एक्सरसाइज है, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, और टू रन इज अ गुड एक्सरसाइज। टू स्पीक ट्रू, टू स्पीक ट्रूथ इज अ गुड वर्च्यू। सही बोलना एक अच्छा गुण है। अरे सही है ना? टू स्पीक ट्रू, टू स्पीक ट्रूथ इज अ गुड वर्च्यू, इज अ ग्रेट वर्च्यू दैट वी शुड हैव, यू नो। तो यहां पर टू सिंग, टू स्पीक, टू गो, टू कम, टू वॉक, ये सब क्या है आपकी? ये सब आपकी मेन वर्ब है, जिनके आगे क्या लगा हुआ है? टू लगा हुआ, और मीनिंग किसका दे रही है वो? ना का। जैसे मैंने कहा दौड़ना, उड़ना, टू फ्लाई। यू गॉट इट? पक्का समझ में आ रहा है? सच्ची मुच्ची? मैंने कहा बिना पंखों के उड़ना पॉसिबल नहीं है। अब आपने कहा सर इसको मैं कैसे बनाऊंगा? तो देखो, टू फ्लाई का मतलब क्या होता है? सब देखना, बिना पंखों के इंग्लिश में कहेंगे हम विदाउट विंग्स, है ना? और पॉसिबल नहीं है मतलब नॉट पॉसिबल। अब इसको अरेंज कर दो, तो जब अरेंज करना हो जहां सब्जेक्ट नहीं है वहां क्या लगता है? इट। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फ्लाई विदाउट, ठीक है, आ रही क्या बात समझ में? इट इज नॉट पॉसिबल टू फ्लाई विदाउट विंग्स। इंग्लिश एक्चुअल में आपके दिमाग में फ्रेम है, यू जस्ट हैव टू अरेंज इट। यू गॉट इट? कुछ भी टफ नहीं है, नथिंग इज टफ। मैंने क्या कहा? कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी नहीं को इंग्लिश में बोला जाता है नथिंग इज टफ, नथिंग इज डिफिकल्ट। आप कोई सा भी सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, यू कैन ट्रांसलेट एनी ऑफ द सेंटेंसेस। यू गॉट इट? समझ रहे हो? यही इंग्लिश है, बाकी सब मोह माया है।